अंग्रेजों के घिनौनी हरकतों से दो भाइयों में जंग छिड़ गई थी। ऐसे में बंटवारा करके एक खून वाले दो समुदाय को बांटा गया। कट्टरपंथियों ने दोनों देशों में दंगे फसाद मचा दिए। 1947 की बात है, लाहौर में बसा एक हिंदू परिवार अपने परिजन की शादी में पटियाला आया हुआ था। यहाँ शादी हो रही थी और वहाँ लाहौर में हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा था। कट्टरवादी माहौल में इंसान भूल गया कि ना मुस्लिम मारा जा रहा है और ना ही हिंदू का खून बह रहा है। जाति धर्म के परे एक गरीब मारा जा रहा है जिसका कट्टरवाद से दूर दूर तक संबंध नहीं था। अब पटियाला आया हुआ वो परिवार अब कैसे वापस अपने घर जाए? अब जो भी है वो बस हिंद है, और इस हिंद में रहकर उस परिवार के जिस सदस्य ने सिनेमा जगत को अप्रतिम यादें दी, उसका नाम था इंदर सेन जौहर उर्फ आईएस जौहर। हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर मैं अनामिका सुना रही हूँ कहानी उस प्रतिभावादी कलाकार की जिसने अपने जीवन में बेहतरीन किरदार निभाए और दर्शकों को खूब सारा मनोरंजन दिया। जौहर साहब का पूरा नाम इंदर सेन जौहर था, पर उन्हें आईएस जौहर के नाम से शोहरत मिली। इनका जन्म ब्रिटिश कालीन भारत के तालगंग में 16 फरवरी 1920 को हुआ था। सिनेमा जगत के सुनहरे दौर में जौहर साहब उन कुछ मात्र लोगों में से थे जिसने उच्च शिक्षा ली थी। आपको जानकर हैरानी होगी, जौहर ने 40 के दशक में एलएलबी की और दो विषय इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में दो बार एमए भी किया। सामाजिक दंगों के चलते उनका परिवार लाहौर नहीं जा सका, इसीलिए जलंधर में रहकर उन्होंने काम शुरू किया और दिल्ली मुंबई में उनका आना जाना भी था। मुंबई आने के बाद उनका ताल्लुक सिल्वर स्क्रीन से हुआ। दरअसल जौहर साहब को वकालत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए मुंबई आने के बाद लेखक के रूप में काम करने लगे। उस समय के मशहूर डायरेक्टर रूप शौर्य जी ने उनकी लिखी एक स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने का फैसला किया। वो फिल्म थी एक थी लड़की, जो 1949 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के साथ उन्होंने लेखक और एक्टर के रूप में पर्दापण भी किया था, पर बंटवारे के जख्म से जौहर साहब को छुटकारा मिला नहीं था, इसीलिए उन्होंने बंटवारे के दर्द पर आधारित एक स्क्रिप्ट लिखी जिस पर शशाधर मुखर्जी ने 1954 के साल में सुपरहिट फिल्म बनाई जिसका नाम था नास्तिक। नास्तिक फिल्म के बाद जौहर साहब स्टार लेखकों के लिस्ट में शुमार हुए। फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि जौहर साहब ने बी.आर. चोपड़ा साहब और उनके छोटे भाई यश चोपड़ा को फिल्म जगत में अपना पांव मजबूत करने के लिए खूब मदद की थी। दरअसल बी.आर. चोपड़ा उनके बचपन के दोस्त थे। चोपड़ा साहब ने जौहर जी को कहा कि मुझे भी ऐसी स्क्रिप्ट दे दे जिससे मैं बड़ा डायरेक्टर कहलाऊं। दोस्तों, वो फिल्म थी अफसाना, जो 1951 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के कामयाबी के बाद बी.आर. चोपड़ा ने अपने छोटे भाई को आईएस जौहर साहब का असिस्टेंट बनने को कहा। आज भी यश चोपड़ा जौहर साहब को अपना गुरु मानते हैं। उस जमाने में जौहर साहब हास्य अभिनेता के रूप में भी खूब उभरे। दिलीप कुमार, देवानंद, शमी कपूर, राजेश खन्ना, जॉय मुखर्जी जैसे कई सितारों के साथ हास्य भूमिकाओं के अलावा किशोर कुमार के साथ 1960 की बेवकूफ, 1966 की अकलमंद और 1968 की श्रीमान जी और महमूद के साथ जौहर महमूद इन गोवा, जो 1965 में रिलीज हुई थी, जौहर महमूद इन हांगकांग में जोड़ी बनाकर मुख्य भूमिकाओं में भी काम किया। जॉनी मेरा नाम फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी मिला था। पर कॉमेडी के अलावा जौहर साहब सीरियस किरदार भी निभाते थे, इसीलिए उन्हें ऑलराउंडर पर्सनालिटी कहा जाता था। लेखक और निर्देशक के रूप में उन्होंने नास्तिक, श्रीमती जी, हम सब चोर हैं, कितना बदल गया इंसान, मिस इंडिया, बेवकूफ, जौहर महमूद इन गोवा,
जौहर इन कश्मीर, जय बांग्लादेश, फाइव राइफल्स इत्यादि फिल्मों में निर्देशन किया। अभिनय के साथ वो पॉलिटिक्स में भी सक्रिय थे और साथ ही उनके अभिनय का जलवा हॉलीवुड में भी चमका। 1958 की हैरी ब्लैक, 1959 की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया और 1978 की फिल्म डेथ ऑन द नाइल में उनका इंग्लिश किरदार सफल रहा। फिल्म इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने 4 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी रमा से उनकी शादी 1943 में हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा अनिल और एक बेटी अंबिका हुई। नसबंदी और फाइव राइफल्स फिल्म में अंबिका और अनिल ने काम किया था, पर पहली शादी टिक नहीं पाई और दोनों का तलाक हुआ। तलाक के बाद उन्होंने 3 असफल शादियां की और कई लोगों का मानना है कि जौहर जी ने कुल मिलाकर 6 शादियां की थी, पर रमा के अलावा किसी अन्य शादी से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तो ऐसे थे इंदर सेन जौहर। 1982 को अपने आखिरी दिनों में उनकी 2 फिल्में आई, तीसरी आंख और हीरो का चोर। एक लंबे बीमारी के चलते उनका देहांत 10 मार्च 1984 को हुआ। प्रसिद्ध फिल्मकार करण जौहर के पिताजी यश जौहर इनके छोटे भाई थे, इसीलिए आज के समय में यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शन में गहरी रिश्तेदारी दिखती है। तो मैं थी आपकी आरजे अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।